इम्पोर्टेंट इंग्लिश इडियम्स इन इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू मीनिंग्स। इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के जो सबसे ज़रूरी इडियम्स है, जो कहावतें हैं, तो उन्हें पढ़ते हैं, उनका हिंदी और उर्दू मीनिंग देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल भी बताऊँगा कि किस तरह से सेंटेंस में इन्हें यूज़ करना है। ये देखिए, एक छोटा सा इडियम है, पहेलियाँ बुझाना, यानी सीधे सीधे पॉइंट की बात नहीं करते, लोग इधर उधर की बात करते हैं, तो उसे कह सकते हैं हम लोग पहेलियाँ बुझाना। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट एंड डोंट बीट अबाउट द बुश। सीधे सीधे मुद्दे की बात करो और पहेलियाँ मत बुझाओ। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आप लोग काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक इडियम है मस्का लगाने वाला। जब कोई किसी की गैर जरूरी खुशामद करता है तो हम लोग कहते हैं देखो मस्का लगा रहा है ना। इंग्लिश होगी एन ऑयली टंग। टू गेट हिज वर्क डन ही कैन बी एन ऑयली टंग। अपना काम निकालने के लिए, पूरा करने के लिए वो एक मस्का लगाने वाला बन सकता है, जिसे कहेंगे एन ऑयली टंग। एक इडियम है बाल बाल बचना, यानी अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा मैटर होता है जहाँ पर उसकी जान बची है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे वो बाल बाल बचा। हैव अ नैरो एस्केप, हैव अ नैरो एस्केप। इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इन दैट एक्सीडेंट आई हैड अ नैरो एस्केप, उस एक्सीडेंट में मैं बाल बाल बचा। जलती पर तेल डालना, यानी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर किसी को चोट पहुँची है और हम ऐसी बातें करें कि उसे और ज़्यादा चोट पहुँचे, तो उसे कहते हैं जलती पर तेल डालना। ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड फ्यूल टू फायर, एफ यू ई एल होना चाहिए। हर लॉफिंग एडेड फ्यूल टू फायर, यानी इतना सब होने पर जो उसने हंसी इससे जलती पर तेल पड़ा। ओके, हवास बाख्ता होना, इसका मतलब होना कि सेंसेस सही से काम नहीं करना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसकी इंग्लिश होगी एट विट्स एंड, एट विट्स एंड। एग्जाम्पल सेंटेंस है व्हेन आई सॉ द लॉस, जब मैंने नुकसान देखा, आई वॉज एट माई विट्स एंड, तो मेरे हवास बाख्ता हो गए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गड़े मुर्दे ना उखाड़ना, देखो जब कोई बहुत पुरानी बातें लेकर के आता है, स्पेशली ऐसी बातें जिसे सुनकर के हमें तकलीफ होती है, तो हम कहते हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। उसकी इंग्लिश होगी लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा कीप काम, चुप बैठो, एंड लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, और गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। किस्सा मुख्तसर ये के, जब कोई बात हम किसी को समझाते हैं और ज़्यादा डिटेल बोलने का हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम कहते हैं इन शॉर्ट, किस्सा मुख्तसर ये के, तो उसे कह सकते हैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई वॉज लेट, के किस्सा मुख्तसर ये कि मुझे देर हो गई। सीधी बात नो बकवास, इसे कहेंगे कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इंग्लिश होगी डू नॉट फियर टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, यानी सीधी बात, फालतू बकवास की ज़रूरत नहीं है। अपने अल्फाज वापस लेना, इसकी इंग्लिश होगी ईट वंस वर्ड्स। जब कोई गलत बात कह देता है, झूठ बात, या फिर ऐसा स्टेटमेंट कोई दे देता है जो उसने नहीं देना चाहिए था, तो कहते हैं ना कि वो अपने अल्फाज वापस ले, उसकी इंग्लिश होगी यू शुड ईट योर वर्ड्स, यू शुड ईट योर वर्ड्स। अगले वाला है अंगूर खट्टे हैं। जब कोई काम कोई कर नहीं पाता है और काम में खराबी बता देता है, तो वो कहता है, तो उसे हम कहते हैं कि भाई अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सावर, एस ओ यू आर, इसे सोर नहीं कहना है, सावर। व्हेन शी रिजेक्टेड राजू, राजू सेट, जब उसने राजू को रिजेक्ट कर दिया तो राजू कहने लगा शी इजंट दैट ब्यूटिफुल, कि वो इतनी भी सुंदर नहीं है, रियली द ग्रेप्स आर सावर, सचमुच अंगूर खट्टे हैं। अंधा क्या चाहे दो आँखें, इसकी इंग्लिश होगी अ विश कमिंग ट्रू, अ विश कमिंग ट्रू। गेटिंग दैट जॉब इज़ अ विश कमिंग ट्रू फॉर मी, मेरे लिए वो नौकरी पा लेना ऐसे है जैसे अंधा क्या चाहे दो आँखें। आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी सिचुएशन के दोनों साइड में खतरा हो तब हम कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इफ़ आई गो आई गेट पनिश्ड, If I don't, I will lose the money. It's like between the devil and the deep sea. Chor chor mausere bhai, iski English hogi birds of the same feather flock together, birds of the same feather flock together.
बोथ द बैक बेंचर्स थिंक द सेम, कि पीछे के बेंच पर बैठने वाले दोनों लड़के एक जैसा सोचते हैं. बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर. अगला है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. किसी इंसान को ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे उसकी वैल्यू ना हो तो हम कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन, कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन. यू डोंट हैव एन आईफोन सो यू से इट, तुम्हारे पास आईफोन है ही नहीं तब तुम ये कहते हो. कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन. भैंस के आगे बीन बजाना, यानी ऐसे बंदे को बात समझाना जो आपकी बात मानने तैयार नहीं है, जो समझ नहीं सकता है. इसकी इंग्लिश होगी क्राइंग इन विल्डरनेस, क्राइंग इन विल्डरनेस. कन्विंसिंग हर समथिंग इज लाइक क्राइंग इन विल्डरनेस, उसे कुछ समझाना भैंस के आगे बीन बजाना है. सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, ये थे बेहतरीन इंग्लिश एडियम्स उर्दू या हिंदी मीनिंग्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ. चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.